Rizak, you know, Indian batting, specially apni matti pe, it's world class. And we know that, there's no denying that. Apne ghar pe to bahut zabardast cricket khelte hain. Unke paas batters abhi well-rounded team hai. Abhi unka morale bhi high hai. Aur magar main Michael Vaughan ka us din statement padhi thi, unhe bola ki if anybody wants to win the World Cup in India, unko India ko harana padega. So, wo ek bahut badi diwar hai, kisi bhi team ke liye. Definitely, dekhen, jo bhi, pehle jo World Cup India mein hua tha, to India ne usko jeeta tha. पाकिस्तान जब मैच हारा 2011 में, तो ये डेफिनेटली जब जिस कंट्री में हो रहा था उसको एज मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए ना, इंडिया की लोग और इंडिया की मैनेजमेंट और इंडिया की टीम, उनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान की बिल्कुल डिफरेंट है. पाकिस्तान में थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करने के बाद थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाती है टीम, अंडर प्रेशर आ जाती है, फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी पाकिस्तान की टीम पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही है, तो हमने अपने आप को पॉजिटिव क्यों नहीं किया, हम अपनी सोच को पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते. अब अगर कैप्टन गलती करता है तो हमें ऐसे लोग होने चाहिए मैनेजमेंट में जो कप्तान को भी बता सके कि यार आप ये गलती कर रहे हो, इसको आप सही करो, ये ऐसे नहीं होता. हमारी प्रॉब्लम यही है कि जी कप्तान गलती करे ना करे, उसको आपने कुछ नहीं कहना, बाकी दूसरे प्लेयरों पर आप बात करते हैं, इसको ड्रॉप कर दो, इसको ले आओ, उसे ये कर दो, ये अच्छी सोच नहीं होती. अगर कप्तान गलत कर रहा है तो कप्तान को भी आपको बताना चाहिए, उसको भी सिखाना चाहिए. एंड सिको, यू नो, वन टीम वेदर यू, आई थिंक हम लोग सब सब इस बात पे एक्सेप्ट करेंगे, सब इस पे एग्री करेंगे कि दिस वन टीम दैट वी ऑलवेज बीन रूटिंग फॉर, दैट्स द कीवीज, यू नो, द न्यूजीलैंड टीम. बहुत मेहनत करते हैं, आगे तक पहुँचते, बट दे स्टार्टेड चोकिंग, चोकर्स बन गए हैं वो लोग बड़े इवेंट्स पे. एंड अभी उनके पास दो इंजर्ड ये लोग प्लेयर्स कैरी करे, तो उनके केन विलियमसन, बट देन सऊदी एज वेल. सो वेयर डू यू सी न्यूजीलैंड इन इंडिया? आप बिल्कुल सही, मेरी भी बड़ी फेवरेट, बड़े अच्छे एक्साइटिंग प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे खेलते हैं, फील्डिंग ज़बरदस्त है, मगर कहीं ना कहीं आके बेचारे रह जाते हैं, उनको जीतना चाहिए. मगर अभी जो जिक्र हो रहा था इंडियन बैटिंग का, देखें अभी जो ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की सीरीज हुई है, इसमें बड़ा हैवी रन हुए. ऑस्ट्रेलिया ने एक जगह 399 रन किए हुए, इंडिया ने चेस किया है 300 रन, तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त. अब मुझे नहीं पता कि वो ग्राउंड्स की वही विकटें हमारे पास होंगी नहीं होंगी, जबकि इंडिया चार बगैर टॉप प्लेयरों से खेल रहा है, फिर भी 2-1 सीरीज़ वो जीते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया से. मगर ये कि उनके चार बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे थे, और इंडिया की टीम, इंडिया के अंदर वाकई जिसने भी वर्ल्ड कप जीतना है उसने इंडिया को थोड़ा सा मतलब झटका तो देना पड़ेगा, इंडिया का जो प्रेशर होगा. और अगर इंडिया सही चल पड़ा ना शुरू के मैचों में, और विद द सपोर्ट ऑफ द क्राउड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड होगी, उनका क्राउड बड़ा उनको सपोर्ट करेगा. Absolutely. और अगर वो गिरे तो मैं का सबसे ज़्यादा प्रेशर भारत पे होगा, उनका क्राउड उनको छोड़ेगा नहीं. बट आई रियली वॉन्ट टू सी, अगर उधर के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बाबर 50-50 बनाएंगे तो वो लोग सेलिब्रेट करेंगे छुपके. आई बी वॉचिंग दैट एज वेल, दैट विल बी इंटरेस्टिंग. मैं बताने वाला था कि जब हम गए थे तो हमें सारे अदाकारों ने दावतें दी थी, हम गए थे उनसे मिलने, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, वो मैं लगाऊंगा अपने ट्विटर पर. तो वो उस जमाने में तो था, अब मुझे नहीं पता. क्वेश्चनेबल बातें हो रही हैं यहाँ, किस किस के साथ डिनर हुआ और नहीं, वो हम ऑफ एयर पूछेंगे जरूर आपसे.